काम चेक करें भाई, अंदर घुसी है दोस्तों और कबूतर का अंडा इसने तोड़ के खा लिया। ये देखें यार, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको ना कुड़क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अजीब सी हो ही नहीं रही यार। इधर आओ भाई, इसको दोस्तों आज पक्का करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अंदर करके ना इसको यहीं बंद कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी बैठी हुई थी, मुझे देख के बाहर आ गई है, तो इसका दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। इसी तरह ये कुड़क होगी भाई, जब तक मुकम्मल कुड़क नहीं होती मैं इसको अंडों पर नहीं बिठाएंगे, ना हो के अंडे हमारे ज़ाया कर देते। असलम के भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आज कर दीजिएगा। तो पिजन्स तो दोस्तों हमारे सारे के सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, आप लोगों को पता है, कुड़ गया, बाकी सारे मर गए। और हमारे पास चंद कबूतर रह चुके हैं, आप लोग देखें, एक मेल रह गया, एक फीमेल, एक बच्चा, और बस दो जो हैं वो इस वाली एवरी के अंदर जो कि मैंने रखे हुए हैं। और अब यार मैं सोच रहा हूँ कि इनके ना हम न्यू केज कोई अलग सी जगह बनाए जहाँ पे इनको सबको रखें। पहले मेरा माइंड बन रहा था कि यार हम ना इनको रिंगनेक डब्स के साथ ना यहाँ नीचे वाली साइड पे छोड़ दें, यहाँ पेटी शेटी लगा देंगे, लेकिन यार जब इनके बच्चे निकलेंगे ना, कोई पिजन्स वगैरह उड़ के भी, और जब ये रिंगनेक डब के जब नीचे आया करेंगे ना, तो वो उन्हें मारा करेंगे पिजन्स। तो इसलिए जो ना ये माइंड में जो ना बात कुछ समझ ही नहीं आ रही, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया यार इन पिजन्स का क्या करें, क्योंकि वो वाला केस तो इनके लिए छोटा है और वहाँ पे ना ब्रीड मुझे नहीं लग रहा अभी करेंगे, और ये वाला केस तो वैसे ही आप लोगों को पता है, इसी में जो है ना इनकी डेथ होना शुरू हो गई थी सबकी। तो यार अभी आके देखा हमारा ना ये वाला जो डोर है दोस्तों खुला हुआ है, और हमारे कुछ तोते इस वाली एवरी के अंदर आए हुए, डव्स तो नहीं कोई आई हुई लेकिन तोते बदमाश यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखें यहाँ पर बैठे हुए हैं, चिक्स नीचे घूम रहे हैं, लेकिन शुक्र है इन्होंने कूल्स को कुछ नहीं कहा। तो अब अंदर जाता हूँ दोस्तों आप लोगों को ना, आज मैं अपना कूल भी दिखा देता हूँ जो कि हम न्यू लेके आए थे। मुझे तो याद ही नहीं यार जब हम न्यू कूल्स लेके आए थे ना, मैंने आपको तो फोकस करके न्यू कूल्स भी नहीं दिखाया अपने, और उसके बाद तो दिखाए नहीं। चले ठीक हो गया, वो कूल मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। ये देखें भाई, उस वाली एवरी के अंदर सारे के सारे चूजे थे, मुझे देख के सारे यहाँ पर आ गए हैं। पहले यार ना मैं ना बच्चे से चेक कर लूँ ठीक है ना सारों के, और माशाल्लाह से यार इनमें देखे दोस्तों दो वाइट कलर के बने हैं, एक येलो कलर का बना है, और भाई एक ब्लू कलर का बना है, मतलब सारे के सारे कलर माशाल्लाह एक ही दफ़ा में ही आ चुके हैं। तो देखे चिपके हुए हैं इधर उधर तोते हमारे, और कुछ मटके हुए हैं। इस वाली तोती को भी यार अभी मैं चेक करता हूँ क्योंकि इसने भी अंडे दिए आप लोगों को पता है, तो देखते हैं शायद इसके भी बच्चे निकल गए हैं। और मैंने इनका क्या किया दोस्तों, हल्का हल्का ढक्का ना टेढ़ा कर दिया ताकि यार ऊपर से भी हवा अंदर जाती है, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए होगी। और ये बच्चे तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, इसके बच्चे मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई पीछे हो जाओ तुम, माशाल्लाह इसके यार तीन बच्चे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, कहाँ गया भाई तीसरा? ये देखें वो नीचे छुपा हुआ है यार, नीचे दबा हुआ है छोटा सा बच्चा। ये देखें वो रहा, तो इसके तीन बच्चे हैं, लग रहे दो हैं भाई। हाँ भाई तुम भी जल्दी जल्दी बच्चे निकाल लो यार। तो इसके दोस्तों माशाल्लाह से यार छः अंडे पड़े हुए हैं, इसने कितने एक अंडा है, इसने भी माशाल्लाह अपना दूसरा अंडा दे दिया। तो यार बजी इसकी ब्रीडिंग प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जा रही है, बस आप लोग दुआ करें इसी तरह की ब्रीड आती रहे तो और ज़्यादा मज़ा आता रहेगा भाई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उस वाली एवरी में जाके सारे के सारे पेरेंट्स को इस वाली एवरी में छोड़ता हूँ। वरना ये ना हो कि शुक्र यार इन्होंने अभी तक कोई मसला वगैरह खड़ा नहीं किया, वरना तो मुझे डर था कि डायमंड उसके बच्चों का नुकसान हो जाएगा। डब्स ना आ जाए भाई, इन सबको मैं उधर भेजता हूँ। चलो भाई चलो चलो शाबाश, चलो उधर जाओ, चलो भाई ये पिजन्स भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ, चलो 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 इन सब बच्चों को मैं वहाँ पे छोड़ देता हूँ, चलो जाओ। अरे फिर आए जा रहे हैं यार, ये तो मुझे लग रहा है इसका दरवाज़ा ही बंद करना पड़ेगा मुझे, चलो जाओ। मुझे यार खोलना ही पड़ेगा क्योंकि इन सब तोतों को ना वहाँ पे छोड़ने के लिए ना मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ खुद कुछ चले जाए, और हमारा जैरी दोस्तों अंडों के ऊपर बैठ चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें पैंथर भी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जैरी ये देखें यहाँ पे बैठ चुका है, अच्छा है बल्कि यहाँ बैठ गया है। तो इसी तरह ही खुला होगा, दरवाज़ा खोल लेता हूँ, और इन सब तोतों को मैं वहाँ छोड़ने की कोई, एक तो चला गया भाई साहब, तुम लोग भी जाओ, चलो शाबाश, चलो 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 ए चलो 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 जाओ, ये इंशाल्लाह चले जाएंगे यार इस तरह। चलो दोस्तों इनको पहले मैं आप वहाँ पे छोड़ दूँ, फिर आप लोग अपने कूल्स दिखाता हूँ। शुक्र है दोस्तों फाइनली हमारे सारे के सारे पैरट्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। पता नहीं यार अब किस तरह इनका दरवाज़ा खुला था, मुझे लग रहा है रात रात में इनका दरवाज़ा खुल गया है, या रात के टाइम जो था मैं आया तो था दोस्तों शहरी के टाइम यहाँ पे एवरी के अंदर आया था एक जरूरी काम से, पहले आप लोगों को बता ही देता हूँ।
तो यार अभी हमने रात के टाइम क्या किया है, एक सहरी के टाइम ना, तो एक हमने जो डायमंड हब है ना वो मैंने अपने कज़न को पेयर एक गिफ्ट किया है जिन्होंने हमें पैंथर ही दिया था। तो शायद वो वीडियो में भी कभी आया हो, मुझे याद नहीं है। जिन्होंने दोस्तों हमें पैंथर गिफ्ट किया था ना, तो उनको मैंने एक डायमंड हब का पेयर अपनी तरफ से गिफ्ट किया है, ठीक है। और इसलिए मैं सहरी के टाइम आया था, मुझे लग रहा मैं जो था ना ये निकालने के लिए ना, दरवाज़ा मैंने खोला तो ईंट लगाना मैं भूल गया, तो ये दरवाज़ा फिर खुल गया। तो वो जो है ना अब चले गए हैं अपने शहर, वापस अपने घर चले गए। गैस भी दोस्तों जा चुके हैं अपनी नानी के घर, वो उन्हीं के साथ जो है ना जा चुके हैं। तो सुबह सुबह के टाइम उन्होंने जाना था, तो इसलिए मैं फिर सहरी के टाइम आके निकाल लिया था एक डायमंड का जोड़ा। तो इसलिए मुझे लग रहा है मुझसे गलती हुई कि मैंने जो है अंधेरे में ये काम करना भूल गया और दरवाज़ा खुला रह गया। तो बाकी एक डायमंड का पेयर जो है मैंने उनको ब्रीडर पेयर जो है यहाँ से निकाल के दे दिया, वहाँ पे भी इंशाल्लाह वो अंडे देंगे ना, तो आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। एक डब दोस्तों यहाँ बैठी हुई है और यहाँ पे भी आप लोगों को पता बच्चे हैं कि देख लेता हूँ यार। यहाँ पे ना एक छोटा सा बच्चा भी था, वो नज़र नहीं आ रहा यार, वो कहाँ गया। ये दोनों तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो नन्ना चूज़ा नीचे तो नहीं गिर गया। अरे भाई साहब डायमंड डब का दोस्तों एक बच्चा था छोटा सा बिल्कुल, अब पता नहीं वो कहाँ पे चला गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा। दुआ कीजिएगा के भाई, ये दुआ कीजिए दोस्तों ये वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो छोटे वाला बच्चा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलें कोई बात नहीं, इन चूज़ों को देखे दोस्तों सारे इकट्ठे हो गए हैं और इनमें जो है ना माशाल्लाह से इत्तेफाक बड़ा है, और देखें सुकून से बैठे हुए हैं, कोई जो है ना आप मामला ख़राब नहीं कर रहा, सुकून से रहते हैं भाई। चलो दोस्तों मैं आप लोगों को अपने वाइट कोली दिखा देता हूँ जो कि मैं लेके आया था न्यू। तो तकरीबन यार उनको सेटअप पे आए हुए 4-5 दिन तो हो गए हैं, और मैंने जो था ना उस दिन भी नहीं दिखाया था आप लोगों को, जिस दिन मैं लेके आया था बस छोड़ दिए थे और दिखाना भूल गया था। तो भाई ये देखें हमारे न्यू कोल जो कि हम लेके आए हैं माशाल्लाह से यार, ये देखें वाइट कोल। अरे दरवाज़ा ना खुल जाए फिर से, ये देखें दोस्तों। अरे चुप कर जाओ। और अब पता नहीं उन्होंने भाई ने, तो मैंने तो ये कह के लिया था कि मुझे 2 फीमेल्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे थाना ये फीमेल्स ही दी थी। अब पता नहीं, देखो बड़ा होगा तो पता लगेगा ये क्या है, अभी इनको ब्रीडर होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आप लोग चेक करें। माशाल्लाह से यार कितने प्यारे हैं। तो ये दूसरे वाला है, इसको कुछ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप लोग एक्टिव है सही घूम रहे हैं। लेकिन जो ज़ख्मी था ना वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो भाई ये वाला पटेर है, इसको मैं पकड़ नहीं रहा, आप लोग देखें माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव घूम रहा है। इसको जो मैंने उसी टाइम ट्रीटमेंट की ना, तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस थोड़ा सा ऊपर से जो है ना वो थोड़ा सा इसका ज़ख्म रह रहा है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी वो जो है ना दवाई का निशान है इसके परों पे लगा हुआ है। तो दोनों के दोनों कोइल्स माशाल्लाह बिल्कुल दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और मुझे काफ़ी खुशी भी हुई है कि यार ये ना सर्वाइव कर गया, वरना मुझे टेंशन थी जिस तरह इन्होंने इसकी हालत की थी, मैं डर गया था कि यार इसको कुछ हो ना जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग लाजमी बताइएगा आप लोगों को न्यू कोइल्स हमारे कैसे लगे। उस दिन तो यार दिखा नहीं सका, बस न्यू ही के लाएंगे अभी ये, तो क्योंकि आज मैं आपको सही फोकस करके जो है ना इनको दिखा रहा हूँ। करीब सर देखें माशाल्लाह पानी भी पी रहा है, सही घूम रहा है, और वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कबूतर ना भाई माँ भाग जाए, पहले ही हमारा बड़ा नुकसान हो गया, वो देखें वो भी उड़ के जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है भाई ये एक फीमेल और एक मेल ही रह गया, इन्हीं का आपस में पेड़ लग जाएगा और यही अंडे शंडे मुझे लग रहा दे देंगे। दोस्तों फिंचेस ने नेस्ट भी बना रही, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद इस वाले टोकरी में भी एक फिंच बना रही है, और वहाँ पे भी ये अंडे शंडे जो है ना मुझे लग रहा देने की तैयारी में। इनको बहरहाल मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम यहाँ से चल जाते हैं बाहर, और मुझे तो लग रहा है कि हमारी रिंगा डब ने ना फिर से अंडे दे दिए वो उस वाले नेस्ट के अंदर, तो बाकी कल वाले इनको चेक कर लेंगे। तो यही दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल ब्यूटी पार्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।